माँ, हमने करण और अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना की है माँ। कुछ भी कर ले आभा, अब कुछ नहीं होगा। भाभी, आप भी आभा और करण के रिश्ते के लिए प्रार्थना कीजिए। रुकिए मामी, आप अंदर नहीं जा सकती। हम इस घर की बहू हैं, हम आपका स्वागत करेंगे अपने घर में। करण कहीं नजर नहीं आ रहा। सुबह से ही शादी की तैयारी में बाहर गया हुआ है, बस अभी आ जाएगा। चलो चलो, तुम लोग हल्दी की तैयारी करो। अबे आभा को भी लगा दो। थोड़ी देर में कुलदेवी की पूजा होगी, पंडित जी अभी आ जाएंगे। जाओ तुम दोनों ये हल्दी वगैरह पोछ लो। हाँ चाची जी। संस्कार, तुम हमारे आशीर्वाद के काबिल नहीं हो। जिस चीज के काबिल था वो कौन सी दे दिया आपने? बहुत खुश हो रहे होगे ना तुम, ये खुशी तुम्हें बहुत दिन नहीं मिलेगी। संस्कार, रस्सी जल गई मगर पल नहीं गया। अभी भी करण को हासिल करने के ख्वाब बरकरार हैं। हासिल तो उन्हें किया जाता है ना, जिन्हें खो दिया हो। आज दिन खत्म होने से पहले करण खुद हमारा हाथ थामेंगे और ये चुनौती है हमारी। I like it. मैं चेंज करके आता हूँ। We'll see you in a while, baby. जिस घर से इतना बेइज्जत करके निकाला, वहां बिना बुलाए फिर से चली आई। हमने बुलाया है आभा को। तुम शायद भूल रही हो कि अभी भी इस घर की छोटी बहू है और हमेशा रहेगी। आप लेंगे? अरे आभा, कहाँ हो तुम? कब से सब पूछ रहे हैं कि छोटी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। सारी तैयारियां बहुत अच्छी की है बेटा तुमने, और बहुत खास ख्याल रखा है सबकी पसंद का। जी लीजिए ना, पूजा शुरू होने ही वाली है, बैठ जाइए। सदा सुखी रहो। क्यों कर रही हो सब? क्या चाहती हो? सबके सामने ये बोल दूं कि तुम्हारा मुझसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं? करम भैया, बाहर आलोई आपको बुला रहा है। अरे करण बेटा, आओ आकर पूजा में बैठ जाओ बहू के साथ। करण, तुम चाहते हो ना कि सानिया की शादी में कोई रुकावट ना आए, कोई कमी ना रह जाए। आओ बेटा। आप सभी लोग भी स्थान ग्रहण कर लीजिए। बेटा, अपना दाहिना हाथ कन्या के हाथ के नीचे रखो। आज दिन खत्म होने से पहले करण खुद हमारा हाथ थामेंगे। बस एक आखिरी बात कहने के लिए फोन किया है। अगर तुमने कभी भी सच्चे दिल से मेरे बारे में सोचा है या मुझसे प्यार किया है एक पल के लिए भी, तो तुम्हें उस पल की कसम, आज के बाद मेरे सामने मत आना। अगर तुम मुझे जीने देना चाहती हो तो मुझसे दूर रहो। आबा, जितना हो सकता है उतना दूर रहो मुझसे, प्लीज प्लीज।